ज्योति चली राम चिट्ठिया रत्ती होने लगी। पहली आरत पुष्प की माला श्री रघुनंदनो अबध भुआला। दूसरी आरत लक्ष्मण भ्राता आरत करतो कौशला माता। तीसरी आरत त्रिभुवन मोहे रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। चौथी आरत चौदिस पूजा देव निरंजन स्वामी और न दूजा। पांचवी आरत कीजे ऐसी ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी। मिथिलापुरी में भजत बधाई तुलसीदासी ये आरत गाई। आरत श्री रा मायर जी की आरत श्री रा मायर जी की। कीरत कलिते ललित सियप्पी की गावत ब्रह्मा चिक मुनि नारद। वाल्मीकि के भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अंशारद। वरद पवन सुत कीरत नीकी आरत श्री रा मायन जी की। चलिए एक बार उच्च स्वर से प्रभु नाम का जय घोष करें। जितनी समाज है बड़ी सुंदर रसिक और सुधी समाज है। उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं, उठा ले जरा भगवान भी देखे क्योंकि शंकर जी का स्थान है और स्वयं राम जी है। बजाए जोरदार से ताली, बजाए जोरदारी से। अरे राम राम बिट्टी, हमने कहा हाथ उठा, भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं। ऐसे काम में अगर हाथ नहीं, क्या घर वालों ने यही संस्कार दिया? और देखिए जिस बच्चे के जन्मोत्सव में ये भगवान की दो दिवसीय लीला का आयोजन हुआ है, बच्चे के बाबा आदरणीय श्री लक्ष्मी प्रसाद दादी जी की ओर से भगवान की मंगलमय आरती, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और देखे ये माता पिता के संस्कार ही बच्चों में पड़ते हैं। हमने कहा हाथ उठाइए, इसमें पुण्य का पाप थोड़ा आप लोगों को पड़ रहा था। वैसे तो भजन होता ही नहीं है, ग्रह कारण नाना जंजाला, कोई भगवान का नाम नहीं लेता चाहे जितना कोई कहे। ये हम जानते हैं, ये हमारा जीवन का निज का विषय है, हम जानते हैं। ब्यास जी उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए, ये बात बजाए जोरदार से ताली। बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की, बोलिए श्री लखन लाल की जय हो, बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए श्री रामचरित मानस की जय हो, बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय। और देखिए जिस बच्चे के जन्मोत्सव में ये आयोजन है, बच्चे के हमारे ताऊ जी आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राओं से भगवान की मंगलमय आरती और 101 पुष्प मुद्राएं श्री रामचरितमानस में सादर समर्पित हैं, साधुवाद। और देखे ज्यादा समय ना लेंगे पप्पू भैया जी, बच्चे के पिताजी को और बुलवा लीजिए। हाँ। और चूंकि बच्चे का नामकरण करना ये बाबा का अधिकार होता है, तो बच्चे का नाम जरूर बता जाए कि बच्चे का नामकरण क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नामकरण भी हो गया इसमें कोई संदेह नहीं। तो और देखिए बच्चे का जो नामकरण है वो पंडितों के अनुसार नृपेंद्र सिंह राजपूत, ये बच्चे का नामकरण है। बड़ा ही सुंदर नाम नृपेंद्र, यानी राजाओं के भी जो ईश है, राजाओं के राजा। हृदय से साधुवाद है, बच्चे के जीवन में मंगल की और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बिल्कुल ये भगवान के भक्त हैं, इनका नाम नहीं होता, भगवान के ही खाते में नाम होता है। तो लीजिए, मैं केवल 2-4 मिनट का समय लूंगा इस समाज से। आए और आकर के भगवान की मंगल आरती करते हुए अपने जीवन को भी कृतार्थ करें। आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के आए, राम ही केवल प्रेम प्यार। और श्री वीरपाल सिंह जी राजपूत मिक्सचर मशीन वालों की ओर से भी भगवान की मंगल में आरती हो रही है, साधुवाद। केवल भाव लेकर के आए, ज्यादा ना आ सके 2-4 हमारी माताएं आ जाए, 2-4 बच्चियां आ जाए। हम ये नहीं कहते कि आप सब लोग आए, और ये हम जानते हैं कि सब लोग आ भी ना पाएंगे और जबरदस्ती हम उनको ला भी ना पाएंगे। ये भी सत्य है, ये कड़ुआ सत्य है, क्योंकि ये एक रामचरित रूपी सरोवर एक ऐसा सरोवर है कि ये सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी
तब तक कोई व्यक्ति यहाँ तक भैया पप्पू भैया जी बच्चे के पिताजी को और बुलवा लीजिए। क्या नाम है बच्चे के? डॉक्टर अतुल सिंह जी। हाँ भैया डॉक्टर आदरणी डॉक्टर अतुल सिंह जी। अतुल जी आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन बाबा को बुलवा लीजिए। हाँ ये बात, बाबा का नाम तो चर्चित और परिचित है। भाई हमारे आदरणी श्री डॉक्टर देवपाल सिंह जी राजपूत जी, यदि उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। रिश्तेदार हैं तो हाँ बिल्कुल बेस्ट बेस्ट। चलो एक बाबा आगे बड़े बाबा। चलिए एक दो माताएं आ जाए, कोई आ जाए, हम ये नहीं कहते कि आप सब लोग आए, क्योंकि ये दरबार में जो आता है वो मनवांछित फल भी पाता है। और हम कहा करते हैं कि कहीं बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, चित्रकूट धाम जाने की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा धाम तो यही है जहाँ पर भगवान का चरित्र होता है। क्योंकि इस धाम में जो भी आप पूजा पाठ करेंगे उसका फल तत्काल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मज्जन फल देखिए तत्काल। क्या बात है ब्यासी। अब ब्यासी आज ये लग रहा है कि ये श्याम साउंड सर्विस को उठा करके हृदय से लगा ले। पूरे दो महीने हो गए झेलते झेलते, लेकिन हमने आपसे कहा था ये तो हमको दो ऑपरेटर ये बैठे इनको दे दो तो इनको मार करके चले जाए। और जय हिंद राजपूत जी, जय हिंद राजपूत जी। 11 मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में साधुवाद। ये दुर्भाग्य रहा है, वो आप रात भर कहते रहे ये दुर्भाग्य, लेकिन आज हमें सौभाग्य मिला। अंत भला तो सब भला, तो लीजिए। अरे राम राम राम, अरे राम राम, भगवान से इतनी बड़ी दुश्मनी। स्वीटी भैया आ रहे हैं आरती के लिए। अरे कम से कम एक दो माता है तो आ जाए। अरे बच्चियों आप ही आ जाओ आए। अरे इसी से परिचय होता है, देखिए घर के चरित्र समझ में आता है। हमने देखा है कई स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे निकल के आते हैं, उससे माता पिता के संस्कार बच्चों में पड़ते हैं, समझ में आता है कि इनके घर में पूजा पाठ होती है कि नहीं। अरे एक ही दो आ जाए, ज्यादा ना आ सके। अरे राम राम, भगवान के आने में संकोच। भैया आप लोग आ जाइए, हम ज्यादा समय न लेंगे। लीजिए एक प्रस्तुत आप हमारे परम पूज्य ब्यासी महाराज जी के द्वारा सुनेंगे। बच्चियां आ रही हैं। बिल्कुल आएंगी, ये इनके माता पिता के संस्कार हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,